নেশনেল ডিফেন্স একাডেমীত পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হৈ শিলচৰ তথা অসমৰ নাম উজ্বলাইছে এগৰাকী যুৱকে। তেওঁ হৈছে বংশ গোস্বামী আৰু তেওঁ অসমৰ একমাত্ৰ ছাত্ৰ যোনে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে তোমাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু প্ৰথমতে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মতলব কেছে আপনি ইয়ে এক্সাম আপনি মতলব পাস কিয়া কেছে কেছে আপনি বল ইয়া থা উত্তরাত আপনি সবসে পহলে মই জিতনে ভি নিউজ 18 কে দর্শক হ্যাঁ সবকো নমস্তে কহতা হুঁ। सबसे पहले मतलब एग्जाम क्वालिफाई करना था तो सबसे पहले एनडीए जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मतलब अब यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है तो मतलब वो एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। तो मतलब उसको मतलब पार करने के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मतलब हाँ कि मतलब सेक्शन वाइज अच्छे से प्रिपेयर करूँगा और ट्वेल्थ के बाद मैंने अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर किया, सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी लगाई, टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे, स्केड्यूल बनाया और फिर धीरे धीरे करके हाँ क्वालिफाई करा मैंने रिटन एग्जामिनेशन। आपका रैंक कितना है? उस समय मतलब मेरा ऑल इंडिया रैंक 333 आया। तो उसके बाद जब मेरा एसएसबी इंटरव्यू आया था तो उसके लिए मेरे को 34 एसएसबी अलाहाबाद में रिपोर्ट करना था 9th जनवरी को। तो मैं वहाँ पर रिपोर्ट किया 9th जनवरी को और फिर वहाँ पर स्क्रीनिंग भी हो गया, फिर पूरा प्रोसेस चला 5 दिन का प्रोसेस। तो फिर आखिर दिन जो था 13th जनवरी उसमें मैं रिकमेंड हुआ। तो मतलब वो मोमेंट काफ़ी मतलब इमोशनल था क्योंकि जैसे कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो जब मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी भी इमोशनल हो गई, सब लोग इमोशनल हो गए कि हाँ चलो आखिरी अटेम्प्ट था तो ये है कि हाँ हो गए। तो फिर उसके बाद से मेडिकल्स चले, मेडिकल्स में भी मतलब मैं क्लियर हो गया मेडिकल्स और उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आई तो उसमें भी मैं मेरिट इन हो गया। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ जून में ज्वाइन करने का नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो कितना साल तक आपका ये ट्रेनिंग चलेगा? ये जो मेरा ट्रेनिंग है ये 3 साल एनडीए में चलेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और मतलब 1 साल मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद मैं एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में कमीशन हो जाऊंगा। तो ये जब आपने एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन किया कितना टफ था आपके लिए? जी मतलब एग्जामिनेशन का जब प्रिपेयर कर रहे थे तो मतलब हाँ टफ तो था क्योंकि 12th भी था साथ में, तो बोर्ड्स का अलग प्रेशर था और इसको मतलब और ड्रीम का अलग प्रेशर था। तो मतलब हाँ प्रेशर हैंडल किया अच्छे से और मतलब हाँ और मम्मी का भी बहुत सपोर्ट मिला कि हाँ मतलब ऐसे करो वैसे करो, और साथ में मतलब जो मेरा स्कूल है, मेरे फैमिली वाले हैं, मतलब उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिला, उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड करा मेरे को कि हाँ तुम इस तरीके से जाओ, और लोकेलिटी का भी काफ़ी सपोर्ट मिला कि हाँ तुम कर सकते हो, मतलब तुम यहाँ से हो जरूर कर सकते हो। तो मतलब हाँ वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो एग्जाम में जो बैठते हैं स्टूडेंट्स, उनका इसके लिए क्या अलग सा कोचिंग लेना पड़ता है? जी मतलब कोचिंग की तो ज़रूरत मतलब अगर नहीं है ऐसे मतलब आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोचिंग अवेलेबल है। जी अवेलेबल है। आपको इतना सारा इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है जो आप अभी आर्मी में भी ज्वाइन करने वाले हो? जी तो मतलब मैं इसके लिए मीडिया काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा। एक ये है कि मतलब हाँ मैंने एक शो देखा था तो उसमें वो एंकर जो थी मतलब उन्होंने काफ़ी मतलब जेंटलमैन कैडेट्स के बारे में बताया था, तो जेंटलमैन कैडेट्स के बारे में देख के मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ था कि हाँ ऐसा ही कुछ करना है, थोड़ा हट के करना है। और साथ ही में मेरे दादाजी भी असम राइफल्स में थे तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब उनसे भी काफ़ी इंस्पायर होते थे, और साथ ही में बहुत सारे लेजेंडरी फिगर्स हैं जैसे कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब है, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब है, फील्ड मार्शल साहब मतलब जो थे, मतलब उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि मतलब 1971 वाला वॉर में उन्होंने काफ़ी टेक्टफुली काम कराया, तो वो हैं। और बाकी बहुत सारे एक्स एनडीएज हैं जैसे कि कैप्टन विजयन थापर सर है, मेजर मोहित शर्मा है, मतलब उन्होंने कितना गैलेंट्री काम किया है देश के लिए, मतलब वो काफ़ी मोटिवेट करता था मुझे कि हाँ मेरे को भी ऐसा कुछ करना है देश के लिए, फ्रंट लाइन पर रह के काम कर। तो बस मतलब पूरा असम से तो आप ही एक है और सिलचर से भी आप मतलब सिलचर के यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सिलचर के यूथ के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले सिलचरियंस किसी से कम नहीं है, मतलब हम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मतलब हमें चाहिए और मतलब जो देश को चाहिए। तो मतलब बस हमें क्या करना है कि हमें बड़ा सोचना है कि नहीं हमें ज़िंदगी में कुछ करना है और उसके पीछे लग जाना है। वो कहते हैं ना कि मतलब किसी एक दरवाजे पे नॉक करते रहो कभी ना कभी तो वो दरवाज़ा खोलेंगे, और जिस दिन वो दरवाज़ा खोलेंगे हम भी शाइन करेंगे जैसे कि, और बस अपना स्ट्रेटेजी बनाइए, मेहनत करते रहिए और बस सिलचर का नाम रोशन कीजिए। सिलचर पर आखिर रिपोर्ट लोकल 18।